नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। शिक्षक एसोसिएशन द्वारा तीसरी बार जीत पर डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त का किया अभिनंदन। मुरादाबाद में शुक्रवार को दिल्ली रोड स्थित क्लासिक बैंकेट हॉल में स्ववित्त पोषित विद्यालय प्रबंधक शिक्षक एसोसिएशन मुरादाबाद के तत्वावधान में तीसरी बार नव निर्वाचित बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक विधायक डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त का अभिनंदन किया गया। एसोसिएशन द्वारा मुरादाबाद मंडल को प्राप्त विश्वविद्यालय के लिए किए गए अथक प्रयास के लिए डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त का आभार व्यक्त किया। बरेली मुरादाबाद खंड से शिक्षक विधायक डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो का भव्य स्वागत किया गया। डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त द्वारा बताया गया कि काफी प्रयास के बाद मुरादाबाद को विश्वविद्यालय प्राप्त हुआ, परंतु अभी लड़ाई बाकी है। अभी मेडिकल कॉलेज के लिए जोर शोर से प्रयास करना है। विश्वविद्यालय की यह मांग पिछले 40 वर्षों से चल रही थी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के असली हकदार प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हैं। उनके अथक प्रयासों से ही विश्वविद्यालय प्राप्त हुआ। इस मौके पर संस्था द्वारा सभी को होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर ब्रजपाल सिंह यादव तथा संचालन ब्रजेश कुमार सिंह ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में बाबा संजीव आकांक्षी जयवीर सिंह सिरोही का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के संरक्षक अनिल कुमार शर्मा, ब्रजेश कुमार सिंह, राधेश्याम शर्मा, राजकुमार शर्मा उपस्थित रहे। लेकिन फिर भी कुछ बातें मैं रखूंगा जो हमारे कुछ आदमी नहीं कह पाते, या क्या क्या समस्याएं हमारे स्कूल वालों के सामने हैं, मूलभूत समस्याएं। और कभी कभी तो नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर ब्रजपाल सिंह यादव है, और जो आज ये प्रोग्राम है यहाँ पर, उसका मैं संरक्षक। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर? स्ववित्त पोषित विद्यालय प्रबंधक शिक्षक एसोसिएशन का ये कार्यक्रम है। इस एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया है कि तीसरी बार जीते हुए डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी बहुत बड़े रिकॉर्ड से जीते हुए हैं, उनका अभिनंदन समारोह हम कर रहे हैं। और अभिनंदन समारोह हम इसलिए और कर रहे हैं कि उनके सहयोग से हमारे मुरादाबाद जनपद को, मंडल को, एक विश्वविद्यालय का उपहार मिला है। आदरणीय CM साहब, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, आदरणीय योगी नाथ जी ने जो हमें विश्वविद्यालय दिया है, वो डॉक्टर जयपाल सिंह का बहुत बड़ा प्रयास है। इसमें बहुत बड़ा उनका सहयोग है। वो कई बार बहुत दिनों से मुख्यमंत्री से मिलते थे, और उससे पहले भी ये सरकार नहीं उनकी आवाज़ थी, क्योंकि वो एक शिक्षाविद हैं, योग है। अच्छा, एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहे तो एजुकेशन की अहमियत वो जानते हैं। तो उन्होंने खुद प्रयास किया, और जब तीसरी बार वो विधायक बन गए, तब उससे पहले भी अपने जो उनके साथी लोग हैं, उनके साथी हरि सिंह ढिल्लो जी हैं, जितेश जी हैं, और कई लोग हैं, उनका सहयोग लिया, मुख्यमंत्री से मिले, और फिर उनके प्रयास से योगी आदित्यनाथ जी ने ये विश्वविद्यालय का उपहार मुरादाबाद को दिया। तो इसलिए उनका अभिनंदन कर रहे हैं, और सरकार ने जो उपहार दिया है उसके लिए हम स्वागत करते हैं, और उनके भी हम आभार व्यक्त करते हैं। इसी उद्देश्य से ये आज का कार्यक्रम है। क्या कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है आज? इस समय जो आयोजन है वो हम डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी के अभिनंदन में, कुछ हमारे विद्यालयों की समस्याएँ हैं, स्ववित्त पोषित हैं, इनको सरकार कोई एड नहीं देती है, तो हमारा ये भी उनसे निवेदन है। इसमें हम आपस में चर्चा कर रहे हैं, सब टीचर्स व्यक्त कर रहे हैं भावना कि हमारे साथ ये परेशानियां हैं, और हमारे लिए कुछ सुविधाएं दी जाएँ जिससे और अच्छे विद्यालय चल सके। उसका कारण यह है कि हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं हाई स्कूल इंटर बोर्ड में, वो ही मेरिट में आते हैं, तो हमारा बहुत अच्छा प्रयास है, सब लोग जानते हैं। तो इस वजह से आज होली मिलन का भी तो आयोजन चल रहा है। आज होली मिलन का भी है, क्योंकि होली बीत चुकी है और हम लोग होली मिलन कर नहीं पाए थे, तो इसी कार्यक्रम में हमने होली मिलन समारोह का भी कार्यक्रम किया है। वो थोड़ी देर बाद लास्ट में समापन का होगा, समापन से पहले।